who says that how to disagree with someone who is more powerful than me, maybe my boss, way back and I had to take some leaves. मैंने टिकट फिकट पहले करा दी थी, बाद में मैंने सोचा कि चलो छुट्टी बता देती हूँ कि मैं ले रही हूँ. And he was like कि Mansi, I think you should cancel your tickets. इसमें जाना तो नहीं चाहिए, people are coming and how can I grant you leaves and all. You have to be polite, at the same time you have to make sure that you are keeping your point. Hey everyone, welcome to the next episode of Level Up Wednesdays, when I'm taking up one of the questions that has been asked by one of my followers, who says that how to disagree with someone who is more powerful than me, maybe my boss, my manager. And while I was thinking the answer to this question, मुझे ऐसा लगा कि यार कितनी बार हम ऐसे situations में आते हैं जहाँ पर हम disagree करते हैं from whosoever is the counterparty, right? Maybe our boss, maybe sometimes our parents, some elder siblings, कभी कभी तो friends के साथ भी, है ना? तो it is fair enough to have our own opinion as far as we are adults, right? Maybe सामने वाले के पास ज़्यादा experience हो, but since we are adults, we are bound to have our own decisions, we are bound to have our own, the way we think and our opinions. And we respect them. Now, since we are respecting them, we just want कि ये thoughts हमारी counterparty तक पहुँचे. Now, while we are saying that, other party might get hurt, might be in okay zone, हाँ ठीक है देख लेंगे, might be in the zone of receptiveness कि हाँ ठीक है, हाँ सही तो कह रहे हो, है ना? तो they can be any opinions. Now see, when you're putting it up, make sure करना कि सामने वाला लिसनिंग जोन में हो. फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी बात सुनो भाई, वो क्या कह रहा है पूरी खत्म हो जाने दो. स्टार्ट मेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस एज इफ यू आर लिसनिंग बट यू आर लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड और यू हैव सम कॉन्ट्ररी थॉट्स, मे बी समथिंग लाइक हाँ, है ना, समथिंग लिटिल बिट इन योर फेस. यू शुड हैव दैट सो दैट सामने वाला, इफ he or she is a person who reads the facial expressions, वो सामने से बोल दे कि हाँ मानसी क्या हुआ, कुछ है क्या, you have some points to keep it up. Second, जैसे उसने खत्म किया, अगर वो receptive, अगर वो सुनने के मोड में है तब तो उसी टाइम पे बोल दो, अगर नहीं है choose some different place and time to speak it. ठीक है, हमें बोलना तो है, हमें अपने पार्ट्स रखने हैं, which is fine enough. It may be that scenario is not good. पहले तो देखो कि ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा, जिसको तुमको बोलना है उसके भी बॉसेस वहां पे बैठे हों या फिर उससे भी कोई सीनियर पर्सन्स बैठे हों जो उस टाइम पे तुम्हारी बात सुनेगा ही नहीं, है ना? तो ये बात ध्यान रखना कि कब तुम उनसे बात कर रहे हो. क्या ऐसा है कि तुम्हारा मैनेजर या तुम्हारा बॉस, ऐसा नहीं उसके सामने तुम उसके बॉस के सामने उसकी बातें बोल रहे हो. तो मेक श्योर करना द एटमोसफियर इज राइट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट विच आई वुड टेल यू इज स्पीक इट इन अ वेरी प्रोफेशनल पोलाइट टोन. नो मैटर तुम्हारा कितना भी कॉन्ट्ररी पॉइंट है, बहुत कुछ हो गया है तुम्हारे साथ, पहाड़ टूट गया है, डोंट क्राई एंड डोंट कम इनटू द जोन ऑफ प्लीडिंग. मेक इट वेरी प्रोफेशनल साउंड एंड दिस कैन ओनली हैपन व्हेन यू हैव पॉइंट्स इन योर हैंड. डोंट जस्ट गो विद प्रॉब्लम्स, गो विद सॉल्यूशंस. प्रॉब्लम्स बताओ एंड ऑफर द सॉल्यूशंस एज वेल. That will make the conversation more interesting and the other person would like to listen. Problem लेके जाओगे, वो बोलेगा हाँ let me see what we can do on this, and वो टाल देगा तुम्हारी बात. Take solutions with you. Next, be in that zone जहाँ पर तुम कोई भी situation का answer आए ना, तुम सहन सकते हो. You could be like okay fine. You have to be like that. Never take things personally कि उसने तुमको कुछ बोला, मुझे बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, यार ठीक है बोला. बी इन दैट जोन, मेक योर सेल्फ बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट जोन मेंटली भी, कि अगर उसने मुझे बोल दिया ना कि ये सही नहीं है, फाइन इनफ, देख लेंगे क्या होगा. बी इन द न्यूट्रल जोन व्हाइल यू आर कमिंग, व्हाइल यू आर गोइंग आउट ऑफ दैट कॉन्वर्जेशन, व्हाइल वी आर डूइंग दैट कॉन्वर्जेशन. तुम्हें मन करेगा तुम चिल्लाओ, रो, यू शो योर एग्रेशन, यू शो योर फीलिंग्स आउट. यू हैव टू नॉट डू दैट. दिस इज व्हाट सॉफ्ट स्किल्स टीचेस अस, हाउ टू बी न्यूट्रल, हाउ टू हैव दैट काम स्टेट ऑफ माइंड. स्टिल रिमेंबर वे बैक जब मैं कहीं काम करती थी एंड आई हैड टू टेक सम लीव्स, मैंने टिकट फिकट पहले करा दी थी, बाद में मैंने सोचा कि चलो छुट्टी बता देती हूँ कि मैं ले रही हूँ. एंड ही वाज लाइक कि मानसी आई थिंक यू शुड कैंसिल योर टिकट्स. इसमें जाना तो नहीं चाहिए, पीपल आर कमिंग एंड हाउ कैन आई ग्रांट यू लीव्स एंड ऑल. एंड आई वाज लाइक, मतलब अंदर ही अंदर आई वाज लाइक ये क्या बोल रहे हो तुम, मेरे 7,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे लिए. आई वाज यू नो वेरी मच एजिटेटेड अंदर से, बट आई हैड टू बी काम वाइल स्पीकिंग. आई वाज नॉट लाइक नहीं यार कैसे बात कर रही हो तुम, ऐसे कैसे कर सकते हैं, नहीं. आई रियली वुड नॉट स्विच टू दैट टोन. You have to be polite, at the same time you have to make sure that you are keeping your point. हाँ हाँ करके नहीं आना है, एक बार हाँ करके आ जाओगे मैनेजर बॉस anyone would treat you like हाँ ठीक है तो मान जाते हैं चीज़ें. You have to keep your point, you have to make sure that your point is valid enough, you have certain good points. और ये सब चीज़ें कैसे आएंगी, प्रैक्टिस से ही आएंगी. जब तुम अपने आप को इतने ज़्यादा सिचुएशंस में डालोगे, जब तुम खुद को अपने आप को प्रैक्टिस करवाओगे, व्हेन यू वुड स्टार्ट लर्निंग सॉफ्ट स्किल्स यू वुड गेट हाउ टू गेट दोज क्विक आंसर्स. सो या इन ऑल द सिचुएशंस वेयर इन यू डिसएग्री टू समवन, यू नीड टू बी पोलाइट, प्रोफेशनल, यू नीड टू चूज द राइट टाइम एंड स्पेस, यू नीड टू कम अप विद सोल्यूशंस, नॉट जस्ट कमिंग अप विद प्रॉब्लम्स. You should be mentally prepared as to what and how would happen. You should be in the receptive mode जहाँ पे तुम ले रहे हो. Make sure करो कि you are in the right zone while speaking in, and your tone and the voice at which you are speaking should be neutral. It should not look like you're in the hyper agitated mode or in the low zone. Okay. So yeah, that's for the video. If you have any other questions, let me know in the comment box. I will help you out. And yeah, till then, please take care of yourselves. Let's meet in the next Wednesday episode. Bye.